जल स्तर में लगातार गिरावट किसानों के साथ साथ सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। गिरते जल स्तर के मद्देनजर भूमि की उर्वरता को बनाए रखना सामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार अक्सर किसानों को गेहूं और धान के पारंपरिक फसल चक्र को तोड़ते हुए विभिन्न तरह की फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैविक खेती भी एक ऐसा ही माध्यम है जो धरती की उर्वरता और जैव विविधता को बनाए रखती है। लुधियाना के कुल्हाड़ा में रहने वाले किसान नामधारी हरदेव सिंह ऐसे ही अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। हरदेव सिंह की स्ट्रॉबेरी की ये किस्म पूरे पंजाब में प्रसिद्ध हो गई है। स्ट्रॉबेरी के अलावा वह बैगनी और पीले रंग वाले गोभी के फूल भी अपने खेतों में उगाते हैं। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने सफलतापूर्वक उन्हें पार कर लिया है। हरदेव सिंह ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से इस संबंध में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। पहला एक एकड़ तो शुरू की थी। मैंने 2011 में एक एकड़ जमीन पर जैविक खेती शुरू की और अब हम 4 एकड़ जमीन पर यह खेती कर रहे हैं। हमें कड़ी मेहनत करनी होती है, सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। इसी तरह प्रकृति भी मदद कर रही है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। पहले हम हिमाचल प्रदेश में पौधे उगाते थे, फिर हमने कुल्लू में पौधे विकसित किए और अब हम यहाँ उगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधे यहाँ उगाए जाते हैं क्योंकि यह बीज से नहीं उगाया जा सकता है, यह हमारी 1.5 साल पुरानी फसल है। आइए जानते हैं किसान हरदेव सिंह के खेतों में उगने वाली स्ट्रॉबेरी के बारे में, जो कि पंजाब में कहीं और नहीं पाई जाती। अजय तो अपने लोकली थे लुधियाना। वर्तमान में हम केवल लुधियाना और चंडीगढ़ में ये स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। हम केवल जैविक खेती करते हैं। बैक्टीरिया को अक्सर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम घर के बने उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। इसके लिए दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है। पानी गैप में नहीं बहता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम के बिना भी स्ट्रॉबेरी को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। ते पानी जेड़ा इनू खालियां च नहीं, अपन रोज तुड़ाई करनी है, रोज दे फिर पानी खालियां च नहीं लग सकता। वैसे ओपन दूजी तरह भी हो जाती, ड्रिप तो बगैर भी होंगी स्ट्रॉबेरी ते, पर इहदे च ज्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी, पानी दा सौड़ा सौखा हो जाता। लुधियाना की यह स्ट्रॉबेरी किस्म पंजाब और चंडीगढ़ में काफी प्रसिद्ध है, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी के साथ ही हरदेव सिंह बाजार में बिकने वाले अन्य नए बीज भी लगाते हैं। खरबूजा ला रहा है ना, जेड़ा बॉबी खरबूजा है। अब हमने कई प्रकार के खरबूजे लगाए हैं, जिनमें बॉबी तरबूज शामिल है। यदि हमें कुछ नए फलों के बीज मिलते हैं तो हम उनके बीज बोना और उन्हें उगाना पसंद करते हैं। ये फल न केवल दूसरों से अलग दिखते हैं, बल्कि लोगों को आकर्षित भी करते हैं। हमने अपने घर के लिए सब्जियां जैसे ब्रोकली, सलाद के लिए गाजर और गोभी की 5 किस्में उगाई है। 4 वैरायटियां दी गाजर लाई, गोभी 5-4 तरह दी। हरदेव सिंह के खेतों में जैविक रूप से उगाए गए स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेरा मेन कारण है, इधर आप तोड़ो आप ले जाओ। मेरे लिए यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य इन स्ट्रॉबेरी को खरीदना है। उनके पास सबसे अच्छी प्रणाली है, ताकि आप अपनी पसंद के स्ट्रॉबेरी रख सकें। मुझे यहाँ ताजा स्ट्रॉबेरी मिलती है। जैविक फल और सब्जियां भले ही बाजार में उपलब्ध ना हो, लेकिन यहां मिल जाती है। यह बहुत सस्ता और स्वाद भी अच्छा है। सब्जियों की गुणवत्ता की गारंटी है और रेट भी बहुत कम है और बहुत बढ़िया स्ट्रॉबेरी है, फ्लेवर इसका बहुत बढ़िया है। हरदेव सिंह अपने खेतों में ऐसी 24 सब्जियां उगाते हैं। उनके खेत में उगाई जाने वाली पीली और बैगनी गोभी भी आकर्षण का केंद्र है। उनका कहना है कि फिलहाल इसे अपने निजी उपभोग के लिए उगाया जा रहा है, लेकिन उनकी योजना यह है कि वे आगे बढ़े और इसकी मार्केटिंग करें। नामधारी स्ट्रॉबेरी फार्म की एक खास बात यह है कि इसमें ऐसे पोस्टर लगे हैं जो यहाँ उपलब्ध स्ट्रॉबेरी के बारे में बताते हैं, ताकि लोग यहाँ आ सके और अपनी पसंद की स्ट्रॉबेरी चुन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।